विभिन्न संचार माध्यमों से मिले समाचारों में मध्य प्रदेश कोनो अभ्यारण्य में विदेश से लाए गए चीतों के लिए चीतल और हिरण को अभ्यारण्य में छोड़े जाने की सूचना के बाद बिश्नोई टाइगर फोर्स ने जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने आए लोगों ने बताया कि भारत में विलुप्त चीता प्रजाति को 70 साल बाद पुनः नामीबिया से लाकर के स्थापित किया गया और उन्हें विभिन्न संचार माध्यमों से जानकारी मिली है कि राजगढ़ मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य से चीतल हिरणों को यहां लाकर के छोड़ा जा रहा है ताकि चीते इनका शिकार कर सकें, जिससे देश भर में बिश्नोई समाज और वन्य जीव प्राणियों में रोष है। देखो जो सुनने में आ रहा है जो चीते लाए हैं वो इस बात की हम सत्य तो स्पष्ट नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं कि 180 हिरणों को वहाँ छोड़ा गया है, इस बात से गलत है कि हिरणों को वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उनके लिए और भी कुछ पुष्टि कह सकते थे। हिरणों को छोड़ना गलत बात है क्योंकि हम एक विष्णु संप्रदाय था, विष्णु संप्रदाय में हम हिरणों के लिए हमने जान भी दी है और बहुत से जान भी दी है, हिरणों को हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए मोदी से निवेदन है कि वहाँ हिरणों को नहीं छोड़ा जाए क्योंकि मैं विष्णु संप्रदाय से आता हूँ और मेरा धर्म है कि हिरणों को बचाना। पिछले कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर भारत को लेपर्ड की एक सौगात दी, पर उसमें एक उन्होंने बाहर विदेशी लेपर्ड लाके और हमारे इस सभी वन एवं जो हमारे सारी पर्यावरण प्रेमी हैं उनकी सारी भावनाओं के साथ उन्होंने आज किया क्योंकि बाहर से उन्होंने लेपर्ड लेके आए और हमारे जो इस प्रदेश के जो चीतल थे चाहे हिरण थे उनको उनका भोजन बनाने के लिए वहाँ पे उनके सामने रख दिया। कई वीडियो आज सोशल मीडिया के मार्फत आ रहे हैं, आज कई पत्रकार में, आज तक में, भास्कर में, विभिन्न जो सोशल पत्र मीडिया के मार्फत में हमको एक खबर पहुंच रही है कि जो हज़ारों की संख्या में चीतल वहाँ पे भेज रहे हैं उनके उनको मरने के लिए वहाँ छोड़ा जा रहा है। हमारा आज हम सारे पर्यावरण प्रेमी मिलकर आज राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन देंगे और उनको चेताएंगे कि जो ये उन्होंने कदम उठाया है जो ये हिरणों को मारने की और चीतलों को मारने की उनकी ये जो साजिश है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम बिश्नोई समाज के सारे लोग वन एवं जितने भी वन प्राणी हैं उनके साथ हैं, पर आप बाहर से कोई भी लेपर्ड लेकर आए, शेर लेकर आए, फिर उसको शिकार करने के लिए हमारे यहाँ के जो मूक प्राणियों को उनका आप शिकार के लिए छोड़ दे वो बात उचित नहीं है। इस मामले को केंद्र सरकार तक पहुंचाया गया, रिपीट, इस मामले को केंद्र सरकार तक पहुंचाया गया लेकिन अभी तक भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और यदि यह बात सही है तो बिश्नोई समाज सहित विभिन्न समाजों के वन्य जीव प्रेमियों की भावनाओं को समझते हुए इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा। पंजाब केसरी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।